और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के राजस्थानी भवन में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार दोपहर 2 बजे बुनकर न्याय यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता ली। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक और कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 सितंबर को सुबह 10 बजे राजपुरा गेट से हम किसान और बुनकर यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम यात्रा के माध्यम से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या से अवगत कराएंगे। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से, बुनकर भाइयों से एवं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो कल 10 बजे गुर्जर भवन पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान भाई, बुनकर साथी एवं क्षेत्रवासी पहुंचे, जिसके माध्यम से हम एक आंदोलन करके उनके सामने बात रख सके सरकार के और प्रशासन के कि इनकी जो भी समस्या है उसका हल होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का ही नहीं, मध्य प्रदेश का और देश का किसान परेशान है, बुनकर परेशान है। तो AICC के आह्वान पे, आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पे, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे ये आंदोलन करा जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पड़ रहे हैं। कल किसान बुनकर न्याय यात्रा हम लोगों ने यात्रा कल निकाल रहे हैं। इसमें किसानों के जो समस्या आज की तारीख में किसानों के ऊपर जो समस्या आ रही है, मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ हमें नहीं मिल रहा एवं शहर की स्थिति, शहर के सड़कों की स्थिति क्या हो रखी है आप देख रहे हैं। पावर लूम बुनकर हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान है, दुखी है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग कल किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बुरहानपुर के बिरोदा में दो पक्षों में जुलूस निकालने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान श्री गणेश का बिरोदा में तीसरे दिन विसर्जन होता है, तो वही ईद मिलादुन नबी को लेकर तड़वी समाज की ओर से जुलूस निकाला जाता है। दोनों जुलूस निकालने को लेकर नाराज नजर आ रहे थे। सूचना लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पहुंचा और उन्होंने पंचायत भवन में समझाइश देकर मामला शांत कराया और निष्कर्ष निकाला। इस मौके पर भारी पुलिस बल और लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुरहानपुर सिंधी बस्ती चौराहे पर कलेक्टर के निर्देश पर गड्ढे भरने का कार्य शुरू हो गया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे सिंधी बस्ती चौराहे से लालबाग मार्ग तक कलेक्टर के निर्देश पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो चुका है। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिस कारण समस्याएं आ रही थी। कई लोग गिरने से घायल भी हो रहे थे। कलेक्टर को लोगों ने समस्या बताई थी। कलेक्टर के निर्देश पर लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। बुरहानपुर ताप्ती नदी के छोटे पुल हथनूर पर तीसरे दिन भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। सिरपुर में ट्रॉली नहीं मिलने के कारण शंभू गणेश उत्सव समिति के भक्त तीसरे दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने ताप्ती नदी के हथनूर पुल से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। बुरहानपुर जिले में 3 दिन तक भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होता, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी की, वही से लोग विसर्जन कर रहे हैं। बुरहानपुर के बहादुरपुर की श्रीराम व्यायामशाला पिछले 7 वर्षों से करतब दिखा रही है। इनके द्वारा अनोखे करतब दिखाए जाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक युवक आग की पुतली से भरी हुई पानी की बाल्टी उठाते हुए नजर आ रहा है। व्यायामशाला के उस्ताद धनराज महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 150 युवाओं व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं, जिनको करतब सिखाए जाते हैं और वह सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। इस बार भी उन्होंने भगवान श्री गणेश के चल समारोह में प्रस्तुति दी।